हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है काशुला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सीयूटी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आपको पता होना चाहिए क्या की टेक अवेज है, क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। यार एनटीए हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सीयूटी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है और इस बार भी बहुत बड़ा गेम खेला है एनटीए ने। आप देख लीजिए एक बार क्या सक्सेस रेट रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर और क्या अब आने वाले साल में प्रिडिक्ट किया जा सकता है एनटीए की साइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस वीडियो को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं और आपको सीयूटी 2025 प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या ऐसे टेक अवेज हैं जो कि अपने दिमाग में रखने हैं व्हाइल मेकिंग योर स्टडी प्लान, व्हाइल मेकिंग योर स्ट्रेटजी, व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, व्हाइल सेटिंग योर टारगेट इन योर मॉक टेस्ट या फिर सीयूटी रियल एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां बताऊं, देखिए इस बार एनटीए ने क्या किया है, 100% वाला जो क्राइटेरिया या परसेंटाइल वाला जो क्राइटेरिया वो खत्म कर दिया है। मतलब आपका जो भी स्कोर आया है आपको नहीं पता कि आपसे कितने स्टूडेंट आगे हैं या आप कितने स्टूडेंट से आगे हैं, ये बात अब आपको नहीं पता है। अब आपको केवल स्कोर का जो फंडा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, लगभग 22,900 प्लस 22,900 प्लस स्टूडेंट ऐसे रहे हैं इस बार जिन्होंने परफेक्ट स्कोर किया है, 200 में से 200 स्कोर किया है या फिर 250 में से 250 स्कोर किया है, जैसे जनरल टेस्ट में 250 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 22,900 प्लस कुछ स्टूडेंट है ऐसे। पिछली बार 22,836 के आसपास स्टूडेंट थे जिनके 100% आए थे। तो भाई ये रही आपके सामने एक एक्सेल शीट, आप देख लीजिए यहाँ पर मैथमेटिक्स ऐसा एग्जामिनेशन देखा गया, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट टेस्ट देखा गया जिसके अंदर सक्सेस रेट घटा है, सबसे ज्यादा घटा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। केवल और केवल 5 स्टूडेंट ऐसे रहे जिसके 200 में से 200 आए। लास्ट ईयर 251 स्टूडेंट थे 100% वाले, भाई 98% सक्सेस रेट कम हो गया है। इसके बाद आता है जनरल टेस्ट का नंबर, केवल एक स्टूडेंट का 250 में से 250। पिछली बार लास्ट ईयर 36 बच्चे थे, उससे पहले 56 स्टूडेंट से जनरल टेस्ट के अंदर सक्सेस रेट घटता जा रहा है। अभी से आपको जागने की जरूरत है क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट टेस्ट है जो कि आप अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं। 97% कम हुआ है सक्सेस रेट। फिर इसके बाद आता है हिंदी का नंबर, यहां भी कुछ इस तरीके का देखने को मिला। अब देख लो इकोनॉमिक्स, भाई अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरली ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर, सबसे तगड़ा जो डाउनफॉल देखा गया है वो देखा गया है इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पर 85% बच्चे कम हुए हैं। इस बार केवल केवल 430 बच्चों के आए हैं, देखो कितना तगड़ा डाउनफॉल है। इस बार 430 बच्चों के 100% या फिर 200 में से 200, लास्ट ईयर 2,836 बच्चों का था 100% 200 में से 200। इस बार ही बात करें बायोलॉजी का कम हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अपनी क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, अगर इन तीनों पेपर को आप एक लाइन में जोड़ोगे देखेंगे हर एक टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया एनटीए ने किया है। कभी ग्रामर बढ़ा दिया, कभी वोकैब बढ़ा दिया, तो कभी ग्रामर कम कर दिया, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा दिया। अभी तक कुछ ऐसा देखा ही नहीं गया कि कोई फिक्स पैटर्न हो। यहां पर एनटीए ने डिटेल सिलेबस भी नहीं दिया अपनी वेबसाइट पर, तो बहुत ज्यादा दुविधा है भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, सबसे तगड़ा डाउनफॉल भाई यहां पर देखो कितने, 8,22,518 स्टूडेंट अपियर हुए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हो रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर 7,19,000 बच्चे अपियर हुए थे। अब यहां पर देखो 200 में से 200 लाने वाले बच्चे हैं 1,683, लास्ट ईयर 5,600 प्लस थे, 2022 में 8,236 बच्चे थे और अब देख लो भाई केवल 1,683 बच्चों का 100% 200 में से 200 आया है। 100% का मुझे कहना ही छोड़ना होगा, बार बार 100% मेरे मुंह से निकल रहा है, ये तो बात ही खत्म हो गई है, 200 में से 200 की बात रह गई। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देख लो 70% कम हुआ है सक्सेस रेट, 70% बच्चे कम हो गए हैं, इतना तगड़ा डाउनफॉल देखा गया। इसके बाद सोशियोलॉजी देख लो भाई, सोशियोलॉजी में कितने 29,000 लगभग इतने बच्चे अपीयर होते हैं, 29,000, 35,000, 26,000 और लास्ट ईयर देखा गया कि कितना था 47 स्टूडेंट का और इस बार 36 स्टूडेंट का 100% फिर 100% बोल रहा हूं, 200 में से 200, 36 स्टूडेंट का 200 में से 200, -23% का डाउनफॉल, 23% बच्चों का कम रहा इस बार। तो यार सीयूटी एग्जाम इज रियली अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर भी डाउनफॉल आया है, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ दोस डोमेन सब्जेक्ट एनटीए का फेवरेट रहा है एक्सपेरिमेंट करने के मामले में, इस बार जेई एडवांस तक इसका लेवल ले गया था एनटीए।
इंग्लिश लैंग्वेज सबसे तगड़ा भाई एनटीए का फेवरेट सब्जेक्ट है। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस, मैंने बताया 22 23 24 उठा कर देख लो, कुछ ना कुछ चेंजेस, एक जैसे पेपर कतई नहीं मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट का डिफाइन सिलेबस भी नहीं है डिटेल में, वो तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कम आपका सक्सेस रेट देखा गया है। तो सीयूईटी 2025 प्रिपरेशन करने वालों, खुद को जरा संभालो, अभी से कोई ना कोई गाइडेंस पकड़ लो, अच्छे से देख लो भाई किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, यू कैन कॉल अस 7676534400, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द सीयूईटी एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी 2025 स्पेशली, तो गाइज आप लोग कॉल कर सकते हैं सीधा, फॉर एनी गाइडेंस, फॉर काउंसलिंग, फॉर यू नो कौन सा कोर्स एंड कॉलेज आपको चाहिए, ये सब चीजें आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 5644400। ऑल सीयूटी 2025 स्टूडेंट, आई एम ग्लैड टू से दैट यार बहुत सारे बच्चे हमारे 800 में से 800 790 प्लस 780 प्लस स्कोर लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं परफेक्ट स्कोर लेकर आए हैं 2200 और 200। बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट भी होगा। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। एक बार अपनी प्रिपरेशन सीयूटी 2025 की बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।